भी नेट से प्रारंभ हुआ है प्रबंधन ने अपने संबंधित जितने आदेश निर्देश जारी हो रहे सभी में आ रहा है कहीं ना कहीं कि प्रबल हिंसा की आशंका है, हिंसा होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उच्च प्रबंधन और इससे जुड़े ऊंचे लोग कहीं ना कहीं अपने कहीं ना कहीं वो फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका चेहरा बेनकाब होगा। बचने के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन में बार बार ये हिंसा शब्द इस्तेमाल करके इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन विगत कई दिनों से चल रहा है, पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कहीं कोई अराजकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी स्वयं चुपचाप अपना ध्यान आकर्षण अपना विरोध प्रदर्शन विभिन्न जिलों में कर रहे हैं। उसके बाद भी एक छोटी सी चीज जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं है, एक दो लाइन का पेपर साइन करने में इतनी समस्या आ रही है। आखिर उन दो लाइन का पेपर साइन करने में समस्या का कारण क्या है? उनको लगता है दो लाइन की समस्या इनकी या पेपर के नामों को हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है सबको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाले और भी कहीं ना कहीं है। और अगर एक घोटाले पर हम अपनी गारंटी देंगे तो विभिन्न घोटालों पर अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। तो मतलब साफ है आप सबको जानते भी बहुत अनजान बन रहे हैं और जानते हैं किसी तरह से इनको कैसे हम लॉलीपॉप देते रहे, कैसे इनको हमें कहते ना कि बस सब कुछ हो जाएगा और करना कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वाणी और कथनी करनी इसको बहुत इतना अच्छा है तो आप स्पष्ट कर लो क्या लगभग 90% हम लोग का जो कार्य बहिष्कार है वो समग्र है। दिया था तब 11 शहरों का निजीकरण हो रहा था।
और वह निजीकरण हम लोग नहीं कर पाए। अब की बार मौका इनका मनोबल इस आंदोलन ने तोड़ दी और एक बार इनका मनोबल टूट जाएगा तो बड़ी आसानी से निजी घरानों के साथ सौदा हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यह हिडन एजेंडा है कुछ लोगों का, यह हिडन एजेंडा है कुछ लोगों जो निजी घरानों के पक्षधर हैं, जिनके निजी घरानों के साथ मिली भगत है, यह उनका हिडन एजेंडा। हमें संकल्प लेके लड़ना है कि हम इस एजेंडा को पूरा नहीं होने देंगे, यह संकल्प हमने लेना। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी आंदोलन है, तो व्हाट्सएप है सबके पास, मैं देख रहा था जिलों जिलों से इतना उत्साह है कर्मचारी, कोई चिंता नहीं। आप इसी गलत फहमी में रहिए कि कर्मचारियों में दो फाड़ होगी, अरे रहिए इसी गलत फहमी, कहीं दो फाड़ दिखाई दे रहा, किसी दफ्तर में जाके देखिए कोई बैठा दिखाई दे रहा, समाचार पत्रों को देखिए समाचार पत्र लिख रहे हैं, दफ्तरों में संगठन पथरा रहा, क्या आपके दिमाग में फाड़ हो गया है? अच्छा है आप अपने दिमाग में फाड़ बनाए रखिए, बिजली कर्मचारियों की एकता और पुख्ता हो रही है, यह जानकारी आपको कल तक मिलेगी। इसलिए मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं आपसे, निर्भय होके हम क्या मन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं घोटालेबाजों को गिरफ्तार करिए, सरकार कह रही बिजली कर्मचारियों पर रसपा लगा दो उन्हें गिरफ्तार कर दो, ठीक बात। यह तो पहली बार है जब घोटालेबाजों को गिरफ्तार करने की मांग करने वालों पर रसपा लगाने की बात, क्या मतलब है इसके निहितार्थ क्या है? इसीलिए हम लोगों ने तय किया इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे, जनता के बीच में लेंगे। एक और कार्यक्रम हमने तय किया लखनऊ के जितने भी गणमान्य लोग हैं, गणमान्य संस्थाएं हैं, रविवार के दिन एक